सहारनपुर में हुमा किन्नर ने विजय रूपा किन्नर पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले दो सालों से दोनों में क्षेत्र को लेकर विवाद होता रहा है। दो साल पहले भी हुमा ने दूसरे किन्नर पर उसका गुप्तांग काटकर उसे भी किन्नर बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन जांच में सब निराधार साबित हुआ, जिसके बाद हुमा ने एक बार फिर दूसरे किन्नर पर निशाना साधा। थाना फतेहपुर प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये लोग झूठा है। अब सिस ने दो साल पहले भी अपना लिंग परिवर्तन करवा के मेरे नाम झूठा केस करा था। फिर पुलिस प्रशासन ने इस केस की जांच करी। जांच करने के बावजूद हम बेकसूर मिले, हमारा कोई भी दोष नहीं था। फिर उसके बाद अब फिर ये ऐसे ही करता है, हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है। इसकी नज़र हमारे इलाके पर है, इलाका चाहिए इसे, नहीं तो ये कहता है कि मुझे आप पैसे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मरवाने की धमकी। इसलिए बार बार ये हमारे पे झूठे केस लगाता है। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए।